हाय गाइस, दिस इज योमेश सिन्हा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल, ठीक है ना। ये एक टेस्टिंग है, लैब टेस्टिंग, कि जो हम सोविंग इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं, चाहे वो सीड ड्रिल हो या फिर प्लांटर हो, तो उसका जो कैलिब्रेशन करते हैं, मतलब आपका ये लैब में टेस्ट करते हैं उसका जो सीड रेट है, क्योंकि तो सीड ड्रिल हो या फिर प्लांटर हो, तो उसमें एक उसका कैलिब्रेशन होता है। मतलब एक टेस्टिंग है एक प्रकार से भी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो टेस्ट होते हैं, चाहे वो आपका लैब टेस्ट हो, फील्ड टेस्ट हो, तो एक लैब टेस्ट में एक टेस्ट होता है आपका कैलिब्रेशन का, कि आपका लैब में या फिर थ्योरेटिकली वो जो आपका सीड ड्रिल है वो फील्ड में एक हेक्टेयर, मतलब पर्टिकुलर एक एरिया है। जनरली जो सीड रेट होता है वो केजी पर हेक्टेयर में उसको अपन मेजर करते हैं, तो एक हेक्टेयर लैंड में आपको कितना सीड सो करना पड़ेगा। मतलब एक्चुअली क्या होता है, जो सीड रेट होता है ये डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। और जो सीड ड्रिल जो मैन्युफैक्चरर होता है वो जब सीड ड्रिल बनाता है तो एक अपना बुकलेट तैयार करता है, उसमें सारा चीज वो मेंशन करके रखता है कि ये जो हमारा सीड ड्रिल है ये इस क्रॉप के लिए सूटेबल रहेगा। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग्स होते हैं ना सीड ड्रिल में, मतलब जो मिलिट्री मैकेनिज्म होता है उसके जो ओपनिंग को आप एडजस्ट कर सकते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग में ये इतना सीड रेट, मतलब इसका सीड रेट इतना होगा। तो उसी चीज को टेस्ट किया जाता है कैलिब्रेशन से, कि वो सीड ड्रिल है उसको जब कैलिब्रेट करते हैं तो उसका वहां पर अपने को सीड रेट, मतलब सीड रेट मिलता है किसमें, केजी पर हेक्टेयर में, कि एक हेक्टेयर लैंड में आपको कितना केजी सीड सो, मतलब सोविंग होगा उससे, ठीक है। तो इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे, कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल, द प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग द सीड ड्रिल फॉर करेक्ट सीड रेट, ठीक है ना। आपका करेक्ट सीड रेट के लिए जो टेस्टिंग होता है सीड ड्रिल का, जो प्रोसीजर है टेस्टिंग का, तो वो क्या कहलाता है आपका, कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल। तो अब जो कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल होता है ये फॉलोइंग डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, इसको वन बाय वन जो इसके स्टेप है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो उसी स्टेप को अपन क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट इसमें जो मेन जो मतलब आपको याद रखने का है या फिर जो याद रखना पड़ेगा वो मेन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये जो तीन स्टेप है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके उसके बाद का जो आपका प्रोसीजर है वो जनरली एक एक्सपेरिमेंटल है, मतलब वो उसको मतलब किया जाता है। बट जो याद करने का जो फॉर्मूला वगैरह फिर जो वैल्यूज वगैरह जो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। सो जैसे कि सबसे पहला जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द नॉमिनल विड्थ ऑफ ड्रिल। अब जैसे कि जो नॉमिनल विड्थ क्या होता है, मतलब आपका जब सीड ड्रिल फील्ड में ऑपरेट हो रहा है तो वो कितना विड्थ कवर कर रहा है, ठीक है। तो जनरली विड्थ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि यहां पर एक फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, W इज इक्वल टू क्या लिखा है, एम इंटू एस। अब यहां पर बात यह आती है कि एम क्या है और एस क्या है, तो यहां पर देखो एम क्या है, नंबर ऑफ फरो ओपनर्स, मतलब जो आपका सीड ड्रिल होता है उसमें जनरली 7 फरो ओपनर होता है, फिर 9 फरो ओपनर होता है, 11 फरो ओपनर होता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फरो ओपनर, जितने भी फरो ओपनर्स हैं उसमें, और सेकंड जो है वो क्या है, एस। तो एस क्या है, स्पेसिंग बिटवीन टू फरो ओपनर, कि आपका जो भी दो फरो ओपनर है उसके बीच में स्पेसिंग कितनी है। जैसे कि ये आप मान लो जाइए आपका सीड ड्रिल है, यहां पर ऐसे आपके क्या लगे हुए हैं, ऐसे फरो ओपनर लगे हुए हैं, ठीक है। मान लो जाइए 3, 4, 5, 6, ये 7 फरो ओपनर। तो यहां पर अगर आप इसका जो नॉमिनल विड्थ अगर इस पर्टिकुलर सीड ड्रिल का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये नंबर ऑफ फरो ओपनर कितना हो जाएगा, 7, और इनटू, ठीक है, जैसे कि इनटू यहां पर है, और स्पेसिंग बिटवीन टू फरो ओपनर, तो ये हो गया 1, 2, इसके बीच का जो स्पेसिंग है, ठीक है ना। आप कोई भी फरो ओपनर, मतलब किसी भी फरो ओपनर का कोई जरूरी नहीं यहाँ पे ये वाले फरो ओपनर के बीच की स्पेसिंग, क्योंकि जो स्पेसिंग होता है फरो ओपनर में वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक फिक्स होता है, सारे फरो ओपनर के बीच में क्या होता है, जो स्पेसिंग होता है वो सेम होता है। तो यहां पर जितना भी इसकी स्पेसिंग होगा, मान लो कि जब आपका 40 सेंटीमीटर है तो ये 7 × 40 सेंटीमीटर, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, इसका विड्थ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला स्टेप है आपका कैलिब्रेशन में वो ये है कि आपका कोई भी सीड ड्रिल हो या फिर प्लांटर हो या फिर सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल हो, आप सबसे पहले उसका विड्थ निकालोगे। और विड्थ कैसे निकालोगे, जितने भी उसमें फरो ओपनर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, जो दो फरो ओपनर के बीच में जितना आपका स्पेसिंग है आप उससे उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो सबसे पहले आपका क्या निकल जाएगा, जो उसका नॉमिनल विड्थ है, ठीक है, जो आपका मशीन है या फिर जो सीड ड्रिल है, प्लांटर है, सीड कंफर्टिलाइजर ड्रिल है, उसका एक नॉमिनल विड्थ क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो सेकंड चीज क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिप एल हैविंग नॉमिनल विड्थ डब्ल्यू। इसको समझने के लिए पहले एक चीज समझो, मान लो जाए आपका ये फील्ड है, ठीक है, ये कितना फील्ड है, एक हेक्टेयर फील्ड है, ठीक है। अपन सीड रेट किसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, केजी पर हेक्टेयर में, ठीक है।
तो ये मान लो आपका 1 हेक्टेयर का फील्ड है। अब सबसे पहले आपने क्या किए, आप इसका विड्थ कैलकुलेट कर लिए, उस जो आपका इक्विपमेंट है, जो सोइंग इक्विपमेंट है, उसका वर्किंग विड्थ इतना है जितना भी होगा, ठीक है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि उसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिप क्या होगी। मान लो कि जो इसका वर्किंग विड्थ है यहां से लेकर यहां तक ऐसे कवर कर रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन ये ऐसे ये कवर करेगा, ठीक है, जब वापिस आएगा तो फिर इतना ऐसे कवर करेगा, फिर जाएगा तो फिर इतना कवर करेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इतना विड्थ को कवर करते हुए, इतना विड्थ को कवर करते हुए जो हमारे इक्विपमेंट है उसका लेंथ कितना होगा, मतलब यहां से ऐसे जाएगा ये, ठीक है, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है, जो ये वाला लंबाई है ना, जो ये वाला, ठीक है, कि इतना जो हमारा चल रहा है, जो हमारा जो इक्विपमेंट है या फिर जो अपना सीड्रिल जो मशीन है, तो इतना विड्थ लेके वो कितना लेंथ कवर, मतलब इतना विड्थ को कवर करते हो तो कितना लेंथ कवर करना पड़ेगा, उसी चीज को कैलकुलेशन है ये, कि ये वाला लेंथ कवर, मतलब ये वाला लेंथ को है अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि 1 हेक्टेयर लैंड में, अगर 1 हेक्टेयर लैंड को आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो वहां पर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या है, ये जो विड्थ है, ठीक है ना, ये वाले जो विड्थ है इससे अगर अपन डिवाइड कर देंगे उसको, किसको, 10,000 मीटर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो अपने को एल की वैल्यू मिल जाएगी मीटर में, ठीक है, क्योंकि ये 10,000 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर आप डब्ल्यू जो कैलकुलेट करोगे उसको, आप उसको किसमें, मीटर में कन्वर्ट करोगे और यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दोगे ये 10,000 ऊपर में, तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका एल की वैल्यू, मतलब 1 हेक्टेयर लैंड को कवर करने के लिए कितना लेंथ ऑफ स्ट्रिप या फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आपका इक्विपमेंट या फिर जो आपका ट्रैक्टर है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या चीज, लेंथ ऑफ स्ट्रिप। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिप है वो एक्चुअल में जो हमारा फील्ड है तो उस पर्टिकुलर विड्थ को कवर करते हुए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अपना इक्विपमेंट, ठीक है, उसका कैलकुलेशन है। तो 1 हेक्टेयर लैंड में अगर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है तो जो भी आपका विड्थ है, ठीक है, मतलब जो वर्किंग विड्थ, अगर उससे आप उसको डिवाइड कर देते हो तो आपको लेंथ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि आप किसी भी चीज का जो एरिया होता है, लेंथ इंटू विड्थ, अगर आप विड्थ उसको डिवाइड करोगे तो आपको लेंथ मिल जाएगा, एरिया जैसे कि 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, आप इसको ऐसा भी याद से रख सकते हो। थर्ड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में विड्थ निकाला, सेकंड स्टेप में क्या निकाला, लेंथ। अब थर्ड स्टेप में ये निकालते हैं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन द ग्राउंड व्हील हैज टू मेक टू कवर द लेंथ ऑफ स्ट्रिप एल। अब एक हमारा कंपोनेंट था क्या चीज, ग्राउंड व्हील, ठीक है ना। तो ग्राउंड व्हील एक पर्टिकुलर उसका डायमीटर होता है, पर्टिकुलर उसका डायमीटर मतलब डायमीटर है और एक उसका क्या है, पेरीमीटर है। तो अपने को ये कैलकुलेट करना है कि इस पर्टिकुलर एल मीटर का जो डिस्टेंस है इसको कंप्लीट करने के लिए उसको कितने बार रिवॉल्व, मतलब उसको रिवॉल्व होना पड़ेगा या फिर उसमें कितना रिवॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए एक चीज देखते हैं अपन, मान लो जाए ये हमारा क्या है, ग्राउंड व्हील है, ठीक है, ये इसका डायमीटर होगा, ये इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। अब यहां से अगर अपन स्टार्ट करेंगे और ऐसे एक राउंड अगर इसको लगाएंगे, ठीक है ना, मतलब एक रिवॉल्यूशन अगर करेगा तो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसका पेरीमीटर है उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा ना भाई, जो ग्राउंड व्हील है तो जितना इसका पेरीमीटर है, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, जितना इसका पेरीमीटर है, तो इसके पैरीमीटर को अपन एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस मान के यहां से अपन क्या कैलकुलेट करते हैं कि उस टोटल जो लेंथ ऑफ स्ट्रिप है एल, ठीक है, इसको कंप्लीट कवर करने के लिए उसको कितने बार या फिर कितने नंबर ऑफ, मतलब कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इसको रोटेट होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है आपका, पाई डी एन आपका, जैसे ये तो हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिप, मतलब 10,000 W है, ये क्या है एक्चुअल में एल है। अब यहां पर पाई इंटू डी, ठीक है, पाई इंटू डी होता है मतलब उसका पैरीमीटर, तो एक बार का लेंथ हो गया, ठीक है, मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, एन इज इक्वल टू वो एल होगा। तो यहां पर अगर आप एन को यहां पर रख दो और पाई तो कॉन्स्टेंट होता है और डी की वैल्यू अगर आप इधर लेके आओगे तो यहां पर आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मिल जाएगा कि कितने, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया को, इस आपका जो पर्टिकुलर वर्किंग विड्थ है उस वर्किंग विड्थ के साथ उस फील्ड को कवर करने के लिए आपका जो ग्राउंड व्हील है कितने बार रिवॉल्व होगा, ठीक है। मान लो इसका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जैसे कि यहां पर है एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, ठीक है, यहां पर ये एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इसको लगेगा उस ग्राउंड व्हील को उसको कवर करने में। अब देखो ये तो हो गया मेन 3 स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
अब जो अगला स्टेप है उसमें अपन इसको बस सुनना क्या होता है कि जो आपका सीट ड्रिल होता है उसको विद द हेल्प ऑफ मतलब जो जैक वगैरह होता है उस जैक के हेल्प से क्या करेंगे, इसे लिफ्ट करेंगे ताकि जो हमारा ग्राउंड व्हील है मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस में उसको रखेंगे फिर उसको ऐसे लिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो लिफ्ट करेंगे ताकि हमारा जो ग्राउंड व्हील है वो फ्रीली ऐसे रोटेट कर सके। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, पुट सेलेक्ट सीड एंड फर्टिलाइजर इन द रिस्पेक्टिव हॉपर्स। जो आपका हॉपर है या फिर जो हम लोग सीड बॉक्स जो पढ़े थे उसके कंपोनेंट्स में, उसमें क्या करना है आपको, जो भी सीड को आपको कैलिब्रेट करना है या फिर जो फर्टिलाइजर को कैलिब्रेट करना है उसको आप हॉपर में रख दो। सेट द रेट कंट्रोल एडजस्टमेंट फॉर द सीड एंड फर्टिलाइजर फॉर मैक्सिमम ड्रिलिंग। ठीक है ना, आप उसमें जो मीटरिंग मैकेनिज्म का जो एडजस्टमेंट है उसको आप सेट कर दो, एक मिनिमम में, एक फिर मीडियम में, मैक्सिमम में, ऐसे करके। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो दो से तीन मतलब अलग अलग ओपनिंग में क्या करते हैं आपका सीड रेट कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा है, इंगेज द क्लच और ऑन ऑफ एडजस्टमेंट फॉर द हॉपर एंड रोटेट द ड्राइव व्हील एट द स्पीड एन। अब जैसे क्या कर लो वो सारा चीज कर लो, फिर उसके बाद जो आपका नीचे का जो सीट ट्यूब है वहां पर क्या लगा दो, पॉलिथीन वगैरह लगा दो। ठीक है, क्योंकि जो सीट ड्रॉप होगा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, उसका वेट वगैरह लेना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करो, आपका जो ग्राउंड व्हील है, ठीक है ना, तो ग्राउंड व्हील है उसको गिन के एक कॉन्स्टेंट स्पीड में गिन के 20 बार। ठीक है ना, अब ये जो नंबर ऑफ काउंट है तो 50 भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, बट एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ आप उसको क्या करो, ऐसे रिवॉल्व करो। ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड साथ रिवॉल्व करो और उसका जो रिवॉल्यूशन है आप उसको काउंट करो, 1 2 3 ऐसे करके। तो मान लो कि आप कितने रिवॉल्यूशन कर रहे हो, 20 रिवॉल्यूशन किए आप। ठीक है, तो 20 रिवॉल्यूशन करने के बाद अगर आप 20 बार उसको रोटेट किए, तो 20 बार रोटेट करने के बाद क्या होगा, जो भी आपका मीटरिंग मैकेनिज्म है वो हॉपर से सीट कलेक्ट करेगा और आपका जो नीचे जो फरो ओपनर्स के नीचे जो अपने पॉलिथीन रैप करके रखा है या फिर बांध के रखा, उसमें क्या कर देगा, उसको वो ड्रॉप कर देगा। अब देखो जो सीट ड्रॉप हुआ है, जैसे कि आपका 9 टाइम फरो ओपनर है, फिर 7 टाइम फरो ओपनर है, वो सारे सीड को आप कलेक्ट करो। ठीक है, चाहे फर्टिलाइजर हो या फिर सीड हो, उसको क्या करो आप कलेक्ट करो, उसके बाद उसका वेट ले लो। तो यहां पर आपको एक वैल्यू मिलेगा, आप एक डाटा शीट ऐसे फिट करो कि 20 रिवॉल्यूशन में आपको कितना सीड कैलकुलेट हुआ, मतलब कितना कलेक्ट हुआ, कैलकुलेट नहीं, कितना सीड वहां पर कलेक्ट हुआ। तो मान लो कि आपका 20 रिवॉल्यूशन में 1 kg, फॉर एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं अपन, अगर 20 रिवॉल्यूशन में आपका 1 kg सीड कलेक्ट हुआ, तो 1 revolution इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 revolution में 1/20। ठीक है, 1/20 kg। ठीक है, 1/20 kg आपका क्या होगा, 1 revolution में। और आपको पता है कि उस पर्टिकुलर पूरे एरिया को कवर करने के लिए ग्राउंड व्हील को कितने बार रिवॉल्व होना पड़ेगा। तो यहां पर नंबर ऑफ एन रिवॉल्यूशन का जब निकालोगे तो इसमें क्या करोगे आप, एन का मल्टीप्लाई करोगे, 1/20 इंटू जितना भी आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है मतलब उस फील्ड को कवर करने के लिए जो आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो। ठीक है ना, तो उससे जब आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर आपका निकल जाएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया को कवर करने के लिए कितना केजी आपको सीड रिक्वायरमेंट होगा। और जो यहां पर जो वैल्यू आएगा वो किस में रहेगा, आपका केजी पर हेक्टेयर में। ठीक है, तो यही होता है क्या चीज, आपका सीड रेट या फिर कैलिब्रेशन ऑफ सीड रेट। जैसे कि अगर ये आपको कुछ डाउट हुआ होगा तो इस वीडियो को वापिस रिपीट देखना तो आपका डाउट और क्लियर होगा। बाकी मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट कोई भी इक्विपमेंट हो या फिर मशीन हो, जो एग्रीकल्चर मशीन जो भी हो, तो जब मैन्युफैक्चरर उसको बनाता है तो उसका टेस्टिंग होता है, जो गवर्नमेंट ऑथराइज टेस्टिंग एजेंसीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, वहां पर इसका सारा चीज क्या किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है। तो टेस्टिंग में भी क्या होता है, एक आपका लैब टेस्ट होता है और एक क्या होता है, फील्ड टेस्ट होता है। तो जो कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल है ये एक्चुअल में एक मतलब लैब में इसका टेस्ट होता है, मतलब ये लैब टेस्ट है। ठीक है, कि वहां पर अपन जो टेस्टिंग एजेंसी के जो मतलब जो टेस्टिंग करने वाले होते हैं वो एक्चुअल में ये देखते हैं कि इसका जो सीड रेट कितना है। ठीक है, जो कोई भी सीड हो किस क्रॉप के लिए, क्योंकि सारा सीड का जो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहता है, तो जब मैन्युफैक्चरर सीड ड्रिल बनाता है तो उस चीज को वो फॉलो करता है कि हमारा सीड रेट इतना होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्रॉप का, जैसे कि जो स्टैंडर्ड मेंटेन है, कि जैसे कि चने का अगर 100 kg पर हेक्टेयर है तो उसके बीच में ही अपना क्या रखता है वो, मतलब उस सीड ड्रिल को ऐसा डिजाइन करेगा कि उसका सीड रेट उतना हो। तो ये सारा चीज
जो मैन्युफैक्चरर है वो ध्यान रखता है कि सीड रेट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे अपन एक दो, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। सो जो ये आज का मतलब हमारा डिस्कशन है इसको कंप्लीट करते हैं। सो आज हमने क्या देखा, कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल। एक्चुअल में जो कैलिब्रेशन है, वापिस आपको बता रहा हूँ, जो टेस्टिंग होता है किसी भी मशीन का, जैसे कि सीड ड्रिल का टेस्टिंग होता है, तो ये एक प्रकार से क्या है आपका लैब टेस्ट है, ठीक है। सो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं अपन। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।